इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लगता है महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का मुद्दा चुनाव के बाद ही सुलझेगा, क्योंकि चुनाव से पहले तो अघाड़ी की तीनों बड़ी पार्टियां एक मत होती दिख नहीं रही है। जहां चर्चा थी कि अघाड़ी में 60% सीटों पर बातचीत तय हो गई है, वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने राहुल का आखिरी फरमान सुनाकर खलबली मचा दी। कांग्रेस नेता ने साफ कहा कि कांग्रेस अघाड़ी के साथ तब ही चुनाव लड़ेगी जब कांग्रेस को बिना किसी किचकिच के 125 सीटें दी जाएंगी। कांग्रेस नेता ने न सिर्फ उद्धव ठाकरे और शरद पवार को चित कर दिया, साथ ही साथ संजय राउत की बड़बोली जुबान पर भी ताला लगा दिया। तो आपको भी महाविकास अघाड़ी से आ रही बड़ी अपडेट दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जल्द ही होने की संभावना है, ऐसे में राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसे लेकर मंथन शुरू हो गया है। अघाड़ी पिछले कुछ दिनों से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने के लिए बहुत ज्यादा मंथन कर रही है, मशक्कत कर रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कांग्रेस की सीटों को लेकर बड़ा बयान दे दिया, जिसके बाद तो अघाड़ी में खलबली मच गई। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि फिलहाल एमवीए में सीट बंटवारे पर चर्चा चल रही है, हम समन्वय कर रहे हैं और साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने यहां पर साफ कहा कि हमारी पार्टी को 125 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, हर गठबंधन की जिम्मेदारी है कि वो प्रभावी ढंग से संवाद और समन्वय करें। भविष्य में हम एमवीए का सीएम देखने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को 125 सीटें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र के 15 करोड़ लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ कांग्रेस नेता ने साफ कहा कि देखिए, कांग्रेस बड़ी पार्टी है और कांग्रेस को प्रदर्शन के मुताबिक 125 सीटें मिलनी ही चाहिए। अब ये कैसे होगा, ये सब उद्धव ठाकरे और शरद पवार को देखना है, क्योंकि राहुल गांधी ने तो साफ कह दिया है कि 125 सीटों के बिना गठबंधन में नहीं रहेंगे। राहुल गांधी इससे ज्यादा तो गठबंधन से बाहर रहकर यानी अकेले रहकर भी लड़ सकते हैं, तो गठबंधन में रहने के लिए अपना इतना नुकसान आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस क्यों उठाए। अब कांग्रेस नेता ने तो ये बयान देकर खलबली मचा दी, मगर इससे पहले खबरें आ रही थी कि तीनों पार्टियां 60% सीटों पर एकमत है। कुछ सीटों पर अभी भी पेच था, लेकिन उन्हें जल्दी बातचीत के जरिए सुलझाए जाने की खबरें थी। वहीं सूत्रों की माने तो राज्य की 288 सीटों में से 100 सीटों पर उद्धव ठाकरे और 100 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली थी। शरद पवार की पार्टी को 84 सीटें और बची हुई 4 सीटें सहयोगी पार्टी के लिए रखी गई थी, लेकिन अब विजय वडेट्टीवार ने 125 सीटों की बात कहकर उद्धव ठाकरे को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। वहीं विजय वडेट्टीवार ने संजय राउत पर भी निशाना साधा और कहा कि हाँ, हम व्यस्त पार्टी हैं, क्योंकि हम एक इलाके में सीमित नहीं हैं, हमें पूरे देश में देखना पड़ता है। तुम्हारी तरह हमारी राजनीति सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि संजय राउत जब भी बोले सोच समझ कर बोले, वरना अगर हम भी बोलने के लिए आए तो सबकी पोल खुल जाएगी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अब 125 सीटों के लिए जिद करके बैठ गई है, जिसके लिए उद्धव ठाकरे को ही 25 सीटों का बलिदान करना पड़ेगा, क्योंकि शरद पवार को तो पहले से ही कम सीटें मिली है। ऐसे में सारी परेशानी उद्धव ठाकरे की झोली में आकर गिर गई है। तो आपका कांग्रेस के इस आखिरी फैसले पर क्या कहना है, क्या एन वक्त पर कांग्रेस ने अपना तुरुप का इक्का चलकर उद्धव ठाकरे को चारों खाने चित कर दिया। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।